जहाँ एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार शौच मुक्त भारत बनाने के सपने बुन रही है, वहीं उन्नाव में अधिकारी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। मामला उन्नाव के सरोसी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ शौचालय न होने से शिक्षिकाएँ और छात्राएँ खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। यही नहीं, अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद हालात जस के तस हैं। विद्यालय की बदहाली के हालत ये है कि यहाँ पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। सूरज, ये बताओ यहाँ पर जो है हैंडपंप कैसे पानी पीते हो, यहाँ पर क्या दिक्कत है? हाँ, से और किले से भी। तो कैसा है हैंडपंप, यहाँ अंदर धस गए हैं। तो पानी आसानी से पी पाते हो आप लोग? दिक्कत होती है? अच्छा, यहाँ शौचालय बना है, टॉयलेट टॉयलेट कैसा बना है यहाँ? दूसरे विद्यालय में, यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय बरवट में साइंस टीचर के पद पे हूँ, मैथ्स में हूँ। और मेरे यहाँ और तो व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से सही रखते हैं, लेकिन ये शौचालय की व्यवस्था इतनी ख़राब है, टूटा फूटा शौचालय है, बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। अच्छा, और बाहर क्योंकि बाउंड्री के बाहर जंगल है तो सांप वगैरह भी बहुत रहते हैं, जिसमें कुछ जहरीले भी हैं, हम लोगों को भी सामने से दिखे हैं, हम लोग भी इधर आए हैं तो सामने से दिखे हैं। तो शौचालय जब तक विद्यालय में नहीं सही हो रहा है तो इससे उपस्थिति में भी फ़र्क पड़ता है, बच्चियाँ नहीं आती हैं, उनको जब ऐसी प्रॉब्लम होती है कोई तो फिर वो नहीं आती हैं। और पानी की व्यवस्था 2 महीने से बहुत ख़राब चल रही है, हैंडपम्प ज़मीन के अंदर चला गया है बिल्कुल। तो पानी के लिए भी 2 महीने से लगातार हमारे यहाँ मैडम प्रयास कर रही हैं, बराबर लिख के दे रहे हैं, लेकिन विद्यालय संबंधी कोई भी काम समय से नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोगों को लटका दिया जाता है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई बच्चे को पेट खराब या वो है हमें घर भेजना पड़ता है, कहाँ जाएं बच्चे। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, वहीं उन्नाव में लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। इस समय हम खड़े हैं उन्नाव के बरबट उच्च प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर लोग यहां पर हालात यहां पर बस से बदतर हैं, क्योंकि यहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वो खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। हालांकि यहां पर जो है नाम के लिए कहने को तो यहां पर शौचालय बना हुआ है, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे शौचालय की, आप देख सकते हैं ये वो शौचालय है, दरवाज़ा पूरी तरह से टूटा हुआ है और जो यहाँ पर जो सीटें हैं उसकी हालत आप देख सकते हैं, ये किस तरह का शौचालय है जो जिसका इस्तेमाल भी करना संभव नहीं है। जो यहाँ के शिक्षिकाएं हैं उनकी अगर बात करें तो ये जो पास में ये एक जंगल टाइप का है, यहाँ पर जो सांप अक्सर देखे जाते हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं, और जो शौच की दिक्कत है, बच्चे और यहाँ शिक्षिकाएँ भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। खास बात यह है कि सामने इस परिसर में ही जो हैंडपंप लगा हुआ है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा दें कि ये तस्वीर बिल्कुल चौंकाने वाली है कि हैंडपंप पूरा अंदर धंस चुका है, लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पानी भी नहीं पी पाते, उनको पानी की भी खासा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से छात्रों की संख्या में भी असर पड़ रहा है और छात्र यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं उनको खुले में शौच जाना पड़ता है और पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से पढ़ाई पे भी बेहद असर पड़ रहा है। वहीं अधिकारी हैं कि इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि कई बार शिक्षकों द्वारा इस मामले से अवगत कराया गया है। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी।